हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग। और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नए टेक न्यूज वाले एपिसोड में। तो दोस्तों चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर देना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। तो दोस्तों बिना देर करते हुए आज के टेक न्यूज स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करेंगे रियलमी से, और रियलमी 6, रियलमी 5S और रियलमी C2 इन तीनों स्मार्टफोन की प्राइस कंपनी ने ऑफलाइन मार्केट में बढ़ा दी है। रियलमी 6 4GB रैम वाले वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 1000 रुपये बढ़ा दी है। रियलमी 5S स्मार्टफोन की 4GB रैम वाले वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 1000 रुपये बढ़ा दी है, और रियलमी C2 स्मार्टफोन 2GB रैम वाले वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 500 रुपये बढ़ा दी है। तो इन तीनों स्मार्टफोन में से कोई भी स्मार्टफोन आप परचेस करने जाओगे तो प्राइस थोड़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते OnePlus की तरफ, पर OnePlus ने OnePlus TV से रिलेटेड एक नया पिक्चर शेयर किया है, जो कि मैं डिस्प्ले पर आपको दिखा रहा हूँ, जिससे इसकी जो प्राइस है वो पता चल रही है। तो OnePlus TV का पहला जो मॉडल है उसका प्राइस 10 से 20 हज़ार के अंदर में आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा जो मॉडल है उसकी प्राइस 20 से 40 हज़ार के अंदर में आपको देखने को मिलेगी, और तीसरा जो TV है उसकी प्राइस 40 से 50 हज़ार के अंदर में आपको देखने को मिलेगी। और तीसरा जो TV है वो 4K TV होने वाला है, और बाकी दोनों जो TV है वो OLED TV होंगे। बाकी कितने इंच का होगा ये तीनों TV वो तो मुझे नहीं पता, बट मान आप लोग मान के रखो कि 32 इंच, 43 इंच और 55 इंच इन तीनों मॉडल में आपको ये स्मार्ट TV देखने को मिलेगा OnePlus की तरफ से 2 जुलाई को। और इन तीनों TV की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है Amazon इंडिया पर, तो आपको अगर प्री बुक करना है तो आप प्री बुक कर सकते हो Amazon इंडिया से। तो दोस्तों आज हम पोल रखते हैं कम्युनिटी टैब पर, और मैं आपसे पूछता हूँ कि Realme X3 स्मार्टफोन की प्राइस आपको कैसे लगी। तो दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पर भी जाकर वोट कर सकते हो और अपना ओपिनियन दे सकते हो। और दोस्तों वोट जरूर करना और अपना ओपिनियन देना जरूर कि Realme X3 की प्राइस आपको कैसी लगी। अब बात करते हैं ओप्पो की, और ओप्पो स्मार्ट वॉच को FCC डिवीजन वेबसाइट पर लिस्ट किया जा चुका है, और साथ ही इसकी जो लाइव इमेज है वो भी आ चुकी है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ। और ऐसा आपको ओप्पो स्मार्ट वॉच देखने में मिलता है, और साथ ही में इसका जो डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं एप्पल वॉच के जैसा रखा गया है, और इसमें पीछे में जो डॉट डॉट दिया हुआ है चार्जिंग के लिए वो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और कंपनी से दो वेरिएंट में लॉन्च करेगी, एक 41mm और एक 44mm। बाकी कंपनी इसकी प्राइस जो क्या रखती है वो देखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बाकी इसकी प्राइस से रिलेटेड अभी तो कोई लीक्स नहीं आई है, और लॉन्च डेट से रिलेटेड अभी कोई लीक्स नहीं आई है। तो जैसे इसकी लॉन्च डेट और प्राइस से रिलेटेड कोई लीक्स आती है तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते सैमसंग की तरफ, और सैमसंग ने इंडिया में सैमसंग केयर प्लस सर्विस को लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको एक्सीडेंटल फिजिकल और लिक्विड डैमेज देखने को मिलता है सैमसंग के प्रोडक्ट में। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करके सैमसंग केयर प्लस आप इस्तेमाल कर सकते हो इंडिया में भी। अगर बात करते हैं सैमसंग की, और सैमसंग गैलेक्सी A01 कोर स्मार्टफोन की जो डिटेल है और पिक्चर है वो मैंने आपको सुबह वाले टेक न्यूज में दे दी थी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक दिया है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हो। और अब बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर स्मार्टफोन की, मतलब अब सैमसंग कोर सीरीज में भी इंटरेस्ट रखने लगा है। और सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर स्मार्टफोन गीकबेंच पर लिस्ट किया जा चुका है, मीडियाटेक MTK 6739 प्रोसेसर और 2GB रैम के साथ ये आता है और आपको देखने को मिलेगा। और अगेन मैं कह रहा हूं कि ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, जो कि 4G स्मार्टफोन है, 5G स्मार्टफोन नहीं है। तो बहुत ही आपको सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं फेसबुक की, और दोस्तों फेसबुक में डेली कितने जो फेक मैसेजेस हैं या फिर फेक न्यूज़ है उसको शेयर किया जाता है, और लोग उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। तो इसी को फेक न्यूज़ को रोकते हुए फेसबुक ने एक नया फीचर रोल आउट किया है, और अब आप जब भी कोई पोस्ट या फिर कोई न्यूज़ को शेयर करोगे तो नीचे में आपको एक छोटा सा पॉपअप या फिर नोटिफिकेशन बार में एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको शो करेगा कि ये जो न्यूज़ है या फिर ये जो पोस्ट है वो कितना दिन पुराना है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये न्यूज़ या फिर ये जो पोस्ट है वो कितना दिन पुराना है और फेक है कि नहीं, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पर शो कर रहा हूँ। तो ऐसा जब भी कोई भी पोस्ट या फिर कोई भी पिक्चर को शेयर करोगे तो ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि वो पोस्ट या फिर वो न्यूज कितना दिन पुराना है। तो ये फीचर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है कि नहीं और यूजफुल है कि नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बात करते हैं अमेजोन की, और दोस्तों अमेजोन की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, और अमेजोन ने अपना पुराना वाला जो अमेजोन ऐप है उसको डिसेबल कर दिया है। तो अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो और उसमें अभी भी पुराना वाला ओरिजिनल अमेजोन ऐप यूज कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जिसमें से एक प्रॉब्लम मैं आपको डिस्प्ले पर शो कर रहा हूं, जब भी आप ऐप ओपन करते हो तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है कि वो ऐप अभी काम नहीं करने वाला है, आप उस ऐप को, वो जो पुराना वाला अमेज़न ऐप है उसको अनइंस्टॉल कर दो और उसकी जगह पे एक नया अमेज़न ऐप आप डाउनलोड करो अपने ऐप स्टोर से, और आपको अच्छी तरीके से वो काम भी करने लगेगा, और साथ ही में आपको जो भी ऑर्डर करना है, शॉपिंग करना है, आप उसकी मदद से कर सकते हो। तो आप अपने आईफोन में नया अमेज़न ऐप डाउनलोड करो और पुराना वाला जो अमेज़न ऐप है उसको अनइंस्टॉल कर दो। आगे बढ़ते गेम्स की तरफ, और दोस्तों पबजी मोबाइल गेम में लिविक मैप आने वाला है, ऐसा मैंने आपको न्यूज़ दिया था, बट मैंने आपको पूरा डिटेल शेयर नहीं किया था क्योंकि मुझे पूरी डिटेल मिली नहीं थी। बट फाइनली पबजी मोबाइल की जो लिविक मैप है उसके रिलेटेड एक नई डिटेल सामने निकल कर आ रही है, और पबजी मोबाइल के लिविक मैप में आपको वॉल्केनो और वाटरफॉल देखने को मिलेगा, और इसी के साथ आप एक मैच, जो भी मैच आप खेलना चाहते हो लिविक मैप में, वो आप 15 मिनट तक खेल सकते हो, उससे ज्यादा आप खेल नहीं सकते हो, और 40 प्लेयर के साथ आप मैच खेल सकते हो, और जो भी मैच आप खेलोगे वो 15 मिनट तक खेल सकते हो, उससे ज्यादा आप खेल नहीं सकते हो। तो वॉल्केनो और वाटरफॉल और ऐसे बहुत सारे नए नए फीचर देखने को मिलेंगे, बट पबजी मोबाइल के जो डायरेक्टर है उन्होंने ज्यादा रिवील्ड नहीं किया है डिटेल के बारे में, बस यही सब डिटेल बताई है जो मुझे मिला है। बाकी इसके रिलेटेड जैसे और कोई डिटेल्स निकलती है तो मैं आपको जरूर से बता दूंगा।
तो दोस्तों बात करते हैं गूगल की, और गूगल पे से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी कि गूगल पे फेक है, गूगल पे लीगल नहीं है। लोग सोच रहे थे कि गूगल पे हमारा पैसा खा जाएगा, हमारा पैसा कहाँ जाएगा। तो दोस्तों टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, फाइनली NPCI ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया है प्रेस में कि गूगल पे एकदम लीगल है और रूल के अंडर काम कर रहा है, और गूगल पे पे आप भरोसा कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो और अच्छी तरीके से ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। तो दोस्तों टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, गूगल पे आप यूज़ कर सकते हो। NPCI ने अपना जो स्टेटमेंट वो दे दिया है तो पूरा कन्फर्म हो रहा है कि गूगल पे एकदम लीगल ही है और आप गूगल पे बिंदास तरीके से बिना टेंशन फ्री होके एकदम बिंदास तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही में कमेंट करके बताना कि कौन सी न्यूज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और हेल्पफुल थी, और साथ ही में पोल में जरूर हिस्सा लेना और पोल में अपना ओपिनियन और वोट जरूर देना। और चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी जब हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मौसम का पूरा एकदम मौसम बवाल बन चुका है, एकदम बारिश वाला मौसम, इसलिए पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। तो मैं चलता हूँ वरना मैं भी भीग जाऊँगा।